नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। पूरे बिहार में शराबबंदी कानून सख्ती से लागू है और इसे सख्ती से लागू कराना कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी है मद्य निषेध विभाग के लिए, साथ ही साथ एक्साइज विभाग के लिए। एक्साइज विभाग द्वारा आज आप तस्वीरें अब आप देखिए किस तरीके से हज़ारों की संख्या में जो शराब की बोतलें बरामद हुई हैं, जो शराब बरामद हुई हैं, उन सभी को नष्ट किया जा रहा है। लगातार थानों द्वारा प्रयास किया जाता है कि बिहार में शराब का जो धंधा है वो ना पनप पाए, ना ही जन्मे, और ऐसे में छापेमारियां अक्सर होती हैं। आप देखते होंगे राजधानी पटना की तस्वीरें हैं। पटना के गदनी बाग में तमाम जितने शराब जब्त किए गए हैं पिछले एकाध महीने में, उन सभी शराब को बोरों में भर कर लाया गया, उन सभी को नष्ट किया गया है। तस्वीरें आप भी देख रहे होंगे। एक्साइज विभाग जो है वह पूरी तरीके से मुस्तैद है। शराबबंदी कानून के तहत एक्साइज विभाग की जो जिम्मेदारी है वह बखूबी वो निभा रहा है। राजधानी से तस्वीरें निकल के आ रही हैं जहां शराबबंदी कानून के तहत एक्साइज विभाग पूरी तरह से मुस्तैद दिख रहा है और कई थानों के द्वारा जो छापेमारी कर शराब और धंधे में लिप्त लोगों पर कार्रवाई तो की जा रही है, जो शराब के धंधे में लिप्त हैं उन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ साथ विनष्टीकरण का काम भी किया जा रहा है, यानी कि जो शराब की बोतलें बरामद हुई हैं उन्हें नष्ट किया जा रहा है। आप देखिए कितनी भारी संख्या में, आप समझ सकते हैं 2016 में शराबबंदी कानून को बिहार विधानमंडल से पास कराया गया, जिसके बाद पूरे बिहार में शराबबंदी कानून जो है वो लागू हो गया, लेकिन अभी भी थाने जो है जब छापेमारी करते हैं, थानों द्वारा छापेमारी की जाती है, जब कहीं से खबर मिलती है उसके बाद, तो इतनी संख्या में शराब अभी भी बरामद हो रही है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष भी आरोप लगाता है कि शराबबंदी कानून फेल है, फिलहाल ऐसा है नहीं, क्योंकि आप अगर हम पहले की तुलना में देखें तो पहले जिस तरीके से सड़कों पर लोग खुलेआम शराब पीकर मनमानी करते थे, खुलेआम घूमते थे, कई जगहों पर झगड़ा हो जाता था, अब वैसा तो नहीं होता है, क्योंकि उन्हें भी डर रहता है कि यदि मुंह से गंध गई पुलिस के नाक तक तो फिर जेल जाना लगभग तय हो जाता है। ऐसे में अब एक्साइज विभाग जो है वो सख्ती से इस कानून को लागू कराने के लिए प्रयासरत है। और तस्वीरें हम आपको गर्दनी बाग की दिखा चुके हैं जहाँ हज़ारों की संख्या में शराब की बोतलों को आज नष्ट किया गया है। ये सभी तस्वीरें आप देख सकते हैं। शराबबंदी कानून को बिहार में सख्ती से लागू कराना है, इस सरकार की ये जो नीति है, जो मंशा है, उसे एक्साइज विभाग पूरी तरीके से जमीनी धरातल पर करके दिखा रहा है। कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री भी जब मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं तो कहते हैं कि उन लोगों को पकड़ना होगा पहले जो शराब बिहार तक पहुंचाते हैं, और ऐसे में कार्रवाइयां भी हुई हैं। हाल ही में आपने देखा होगा एक व्यक्ति को हरियाणा से गिरफ्तार करके बिहार लाया गया है, कहीं ना कहीं कार्रवाई हो रही है। और हम भी आपसे अपील करेंगे, अगर आपके आसपास शराब का धंधा होता है, कोई व्यक्ति ऐसा जो संलिप्त है, उसकी खबर आप चुपचाप जाकर थाने में दे सकते हैं। आपकी खबर जो है वो गोपनीय ही रखी जाएगी और समाज से जो शराब है वह सदा के लिए मिट सकेगा। सिर्फ अकेले किसी के कानून बना देने से यह शराबबंदी कानून जो है वो लागू नहीं हो जाएगा, इसमें आपको भी उतरना होगा। समाज में आपकी भी हिस्सेदारी है, आपकी भी भागीदारी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।